नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपा करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीआर के शुरू होने पर लगाई मुहर। एनआरसी पर फिलहाल ब्रेक लगने के बाद केंद्र सरकार ने अब एनपीआर को अपडेट करने की मांग पर आ गई है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने एनपीआर अपडेट का काम 1 अप्रैल से शुरू करवाने की बात कही है, और साथ ही यह भी साफ किया है कि एनपीआर अपडेट करवाने के दौरान किसी भी आम नागरिक से किसी भी तरह की कोई दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी और न ही आधार नंबर की जानकारी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही वर्तमान समय में केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर एनपीआर की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रही है। कोरोना के लक्षण का 2 और लोगों में होने की आशंका। चीन से शुरू हुआ यह कोरोना अलग अलग देशों में अपनी पैठ बनाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में अब भारत में भी 2 लोगों में कोरोना के लक्षण होने की आशंका जताई गई है। खबरों की माने तो बिहार के पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले में ऐसे 2 लोगों की पहचान की गई है जिसमें कोरोना के लक्षण होने की संभावनाएं जताई गई है। गौरतलब है कि ये दोनों लोग हाल ही में चीन से लौटे थे। हालांकि अभी दोनों ही व्यक्तियों के अंदर कोरोना के होने की पुष्टि नहीं की गई है। बिहार का बजट होगा 25 फरवरी को पेश। देश भर में बजट पेश होने के बाद अब बिहारवासियों को बिहार के बजट पेश होने का बेसब्री से इंतजार है। खबरों की माने तो अब तक बिहार में बजट पेश करने की आधिकारिक तारीख 25 फरवरी को तय की गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि 25 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार का ध्यान जल जीवन हरियाली यात्रा पर ज्यादा होगा, क्योंकि बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया था। वहीं 24 फरवरी को विधानमंडल सत्र की शुरुआत होगी, जो कि अगले 22 दिनों तक जारी रहेगा। भगवान महावीर की प्राण प्रतिष्ठा की चल रही है तैयारी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडग्राम जन्मस्थान में भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, मूर्ति के इस प्राण प्रतिष्ठा की आधिकारिक तारीख 8 फरवरी को तय की गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में जैन धर्मावलंबी और श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। लोकसभा में एक बार फिर उठी बिहार को विशेष दर्जा दिलवाने की मांग। बिहार सरकार जब से सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार के इन मांगों को केंद्र सरकार ने अनदेखा ही किया है। हालांकि राज्य सरकार के रवैये को देखकर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, जिसके तहत एक बार फिर से लोकसभा में जदयू नेता ललन सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग की है। पटना विमेंस में शिक्षकों की निकाली गई रिक्तियां। पटना विमेंस कॉलेज में शिक्षकों की नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही पटना विमेंस कॉलेज में शिक्षकों के पद के लिए आवेदनों की मांग की जाएगी, जिसके लिए कॉलेज ने अपने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत पीजी इन फिजिक्स में 3, पीजी इन पॉलिटिकल साइंस में 3, पीजी इन सोशल वर्क में 3, पीजी इन जूलॉजी में 2 और बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में 2 शिक्षकों के लिए वैकेंसी की मांग की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.patnawomenscollege.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप वहां से ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अनामिका की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मी अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 में हुआ था। उनके पिता अपने जमाने के मशहूर कवियों में से एक थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अनामिका ने भी कवि बनने में रुचि दिखाई, जिसके बाद उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कविता लिखने और पढ़ने का काम शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनामिका ने अब तक के अपने सफर में कुल मिलाकर 8 कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिखी है, 5 नॉवल लिखे हैं। इतना ही नहीं, अनामिका अपने काम के कारण साल 2017 में सार्क फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर का हिस्सा भी बनी थी। निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मी उतरेंगे सड़कों पर। बिहार के इंजीनियर और कर्मचारी बिजली के निजीकरण के खिलाफ अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। खबरों की माने तो ये सभी कर्मी 11 फरवरी को काम बंद करके सड़कों पर आएंगे। हालांकि आम नागरिकों को बिजली से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, बिजली आम दिनों की तरह ही उनके घर में देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो सभी बिजली विभाग के कर्मी अपनी मांगों को लेकर कुल मिलाकर 24 घंटे के लिए काम बंद करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान 11 फरवरी को नहीं हो सकेगा। पटना के बिहार म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना घूमने आए सभी लोग पटना में बने बिहार म्यूजियम का दर्शन करने जरूर जाएं। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बना यह संग्रहालय पटना के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जो बिहार के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में और वर्तमान पीढ़ी के दिलों में सम्मान और गर्व की भावना के लिए बनाया गया है। पटना के इस बिहार म्यूजियम में कलात्मक विरासत की प्राचीन कलाकृतियां, विभिन्न जनजातियों से संबंधित कलाकृतियां और बिहार के अतीत और वर्तमान में अंतर्दृष्टि शामिल है। बिहार संग्रहालय 5.6 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में फैला है और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 24,000 वर्ग मीटर है। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तारीख की हुई घोषणा। बीएड में एडमिशन की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह खबर कुछ खास है। बिहार में बीएड की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन का काम अभी तक पूरा नहीं किया है तो जल्दी करें और रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि सभी कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख 2 मार्च है। वहीं इसका एंट्रेंस एग्जाम 29 मार्च को आयोजित किया गया है।
बिहार के डीएम को किया गया प्रमोट। बिहार में कार्यरत डीएम के प्रमोशन की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो बिहार में कुल मिलाकर 10 डीएम को उनके पद से ऊपर का पदभार सौंपा गया है। खबरों की माने तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक इन जिलों में पदाधिकारियों को अपर सचिव के पद के लिए प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही 2 आईएएस अफसरों को भी प्रमोशन दिया गया है। सीजीपीएससी ने सिविल जजों के लिए निकाली रिक्तियां। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने हाल ही में सिविल जजों के लिए 32 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का किसी भी लॉ सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के राहुल और मनीष ने शतरंज प्रतियोगिता में बढ़ाया बिहार का मान। बिहार के लखीसराय में आयोजित अनिल सिंह मेमोरियल फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में 7 अंकों के साथ बिहार के राहुल और मनीष दूसरे पायदान पर जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं आपको बता दें आयोजित इस शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के राहुल और मनीष को दिल्ली के किशन कुमार ने हराया है। वहीं तीसरे स्थान पर झारखंड से आए खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब रहे। बिहार के सभी आईटीआई कॉलेज आएंगे जांच के दायरे में। अब कभी भी जांच समिति आईटीआई इंस्टीट्यूट में विशेष जांच के लिए पहुंच सकती है। आपको बता दें आईटीआई केंद्रों पर जांच के लिए इन सभी संस्थाओं की थर्ड पार्टी भेजने वाली है और इसी जांच के आधार पर सभी संस्थाओं को अनुदान देने का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं जांच के साथ साथ संस्थाओं में चल रहे कामकाज को देखते हुए संस्थान के ग्रेडिंग का काम भी किया जाएगा और उसी ग्रेडिंग के आधार पर सभी संस्थाओं को अनुदान दी जाएगी। आपको बता दें बिहार में फिलहाल कुल मिलाकर 149 सरकारी और 1100 से अधिक प्राइवेट संस्थान है। अंबेडकर महिला खेल महोत्सव की शुरुआत होगी 7 फरवरी से। 7 फरवरी से पटना के फ्रेजर रोड स्थित युवा आवास परिसर में अंबेडकर महिला खेल महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कैरम और शतरंज के खेल से होगी। आयोजन सचिव जेके दास ने बताया कि महिला महोत्सव में भाग लेने वाले खिलाड़ी फॉर्म आयोजन स्थल पर 7 से 8 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। वहीं इसी दिन पटना के राजेंद्र नगर स्टेडियम में 10 फरवरी को सद्भावना कबड्डी का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिभागियों के फॉर्म जमा करने की तारीख भी 7 और 8 फरवरी ही रखी गई है। पटना से बाघा तक मई महीने में स्टीमर चलाने की योजना की होगी शुरुआत। जलमार्ग के रास्ते पटना से बाघा सफर करने वाले सभी पटनावासियों के लिए यह खबर कुछ खास है। जलमार्ग निदेशालय से अप्रूवल मिलने के साथ ही जल परिवहन मंत्रालय मई महीने से पटना में बाघा के बीच स्टीमर की व्यवस्था को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें सरकार ने इस योजना को हरी झंडी तब दिखाई जब बैंकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय जल मंत्रालय को गंडक में जलमार्ग शुरू करने की मांग की थी। बिहार का नलजल मॉडल अब दिखेगा दूसरे राज्यों को भी। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली योजना के बाद बिहार सरकार हर घर नल का जल योजना को सफल बनाने के लिए काम कर रही है, जिससे प्रेरणा लेकर अब बिहार की इस योजना का मॉडल पूरे देश में लागू करने की योजना पर सोच विचार किया जा रहा है। इस बाबत केंद्र सरकार ने कल यानी कि 7 फरवरी को अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है, जहां पर बिहार सरकार से इस योजना की प्रस्तुतिकरण की मांग भी की गई है। ज्ञात हो आयोजित होने वाले इस बैठक में बिहार समेत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश लौटे मुख्यमंत्री नीतीश। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत दिल्ली दौरे पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार लौट चुके हैं। आपको याद दिला दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी से दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अपने 2 विधानसभा सीटों के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया और वहां की बिहार की रहने वाली आबादी से एकजुटता दिखाने की अपील भी की। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा क्षेत्र के अलावा भाजपा प्रत्याशियों के चुनावी मंच पर भी प्रचार प्रसार किया। राजद नेता शिवानंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की टिप्पणी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार लौटते ही बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह को एक साथ मंच साझा करने के लिए अमित शाह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महबूब करार दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब राजद के शिवानंद तिवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के लिए बेचैन थे, मगर उनकी कोशिश अब नाकाम हो गई है। अब बिहार म्यूजियम का टिकट मिलेगा सस्ते में। बिहार म्यूजियम में घूमने जाने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। अब बिहार म्यूजियम में छात्रों को प्रवेश के लिए 50 रुपए के बदले मात्र 25 रुपए ही देना होगा। आपको बता दें उक्त आदेश संग्रहालय प्रशासन ने दिया है, जिससे कि अब यह प्रवेश शुल्क छात्रों को लगने वाले प्रवेश शुल्क से आधा हो जाएगा, वही सामान्य प्रवेश शुल्क से 1/4 कम हो गया है। इतना ही नहीं संग्रहालय प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि टिकट के पैसे में रियायत प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल के छात्रों को भी मिलेगी। सहरसा के डीएम को किया जाएगा सम्मानित। सभी सहरसा वासियों के लिए यह सम्मान वाली बात है, क्योंकि सहरसा को लोक सेवा में ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सबसे श्रेष्ठ काम करने वाले की सूची में सबसे पहले पायदान पर रखा गया है। इसलिए केंद्र सरकार 7 और 8 फरवरी को मुंबई में आयोजित होने वाले 23वें ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित करने जा रही है। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए सहरसा के डीएम डॉक्टर शैलजा शर्मा मुंबई पहुंच चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 7 और 8 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे।
12 जिलों में बनाया जाएगा सरकारी शेल्टर होम्स। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का सच सामने आने के बाद अब सरकार शेल्टर होम की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का मन बना रही है, जिसके तहत बिहार सरकार अब जल्द ही 12 जिलों में 500 करोड़ की राशि खर्च करने के साथ सरकारी शेल्टर होम्स बनाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बन रहे सभी सरकारी शेल्टर होम्स का नाम सीएम वृहद आश्रय रखा जाएगा। वहीं इस आश्रय से संबंधित जमीन का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,290 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,280 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.91 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.93 रुपए प्रति लीटर था। बिग बॉस के घर से निकलते ही हिमांशी ने आसिम के साथ शेयर की एक तस्वीर। बिग बॉस के इस सीजन में कई सारे ट्विस्ट देखने को मिले। इतना ही नहीं, इस बार इस सीजन में कई जोड़ियों को भी बनते देखा गया, जिसमें से एक है हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की जोड़ी। हिमांशी ने हाल ही में अभी बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री की थी, जहां वो आसिम रियाज का कनेक्शन बनकर गई थी, जिसके बाद घर से बाहर निकलने के साथ ही उन्होंने अपनी और आसिम की एक तस्वीर शेयर की है, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि काश मैं भी आसिम के साथ बिग बॉस के घर में होती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को मिली शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 सीरीज के बाद कल पहला वनडे मैच खेला गया, जहां एक ओर टी20 सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराकर यह जीत अपने नाम दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर वनडे के शुरू होते ही न्यूजीलैंड की टीम ने यह साफ कर दिया कि वो इस सीरीज को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देगी, जिसके तहत भारत द्वारा बनाए गए 347 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने और खास करके रॉस टेलर ने 109 रन बनाकर 4 विकेट से यह आसान सी जीत अपने नाम दर्ज कर ली, जिससे कि अब न्यूजीलैंड की टीम ने 0-1 के साथ इस मैच में बढ़त बना ली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है राजेंद्र प्रसाद सिंह, किशोर कुमार, संतोष राज, राहुल कुमार, सुशांत कुमार, विकी कुमार, शादाब अली, दीपक कुमार, मुकेश कुमार रॉय, संदीप कुमार, रेहान खान, अभय कुमार, संजीत कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में आपके हिसाब से भारत के हार की वजह क्या क्या रही। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी क्रिकेट खेलने और देखने की रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर आप क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रह सकते हैं। धन्यवाद।